कमेंट्स। आज हम लोगों के MSW लोगों के कुछ और कमेंट्स के संबंध में जानेंगे। सबसे पहले लोगो चालू करते स्टार्ट बटन पर गए और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो पर क्लिक कर दिए तो लोगो चालू हो गया। इसमें सबसे पहले हम लोग जिस कमांड के बारे में सीखेंगे वो है सेट कमांड। सेट कमांड का पूरा नाम है सेट हेडिंग, ठीक है। इस कमांड से जो है हम लोग टर्टल को 0 डिग्री से दाएं की ओर घुमा सकते हैं। 0 डिग्री से दाएं की ओर मतलब क्या है कि टर्टल जैसे भी है, जिस पोजीशन में भी है, वो हमेशा 0 डिग्री से ही घूमेगा। आओ देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। ये जो है सबसे पहले टर्टल का हम लोग देख रहे हैं कि टर्टल का हेड जो है 0 डिग्री में है। ये नॉर्मल होम में है, इसका अभी पोजीशन जो है उसका हेड 0 सीधा है, यानी 0 डिग्री पोजीशन में है। तो अब इस समय में जो है हम लोग इसको सेट कमांड से जाए किस तरीके से घुमाया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले मानो हम लोग लिखे हैं सेट 45, ठीक है 45। तो ये जो है देखो टर्टल का हेड दाएं की ओर 45 डिग्री घूम गया, 0 डिग्री से 45 डिग्री दाएं की ओर घूम गया। अब उसके बाद मानो हम लिखते हैं सेट 90, तो क्या हो रहा है देखो, वो 45 था और ये हुआ 90, लेकिन ये क्या हुआ 45 से 90 डिग्री पूरा नहीं घुमा, वो क्या किया 45 से अपने आप से 0 डिग्री पर चला गया और फिर वहाँ से 90 डिग्री घूमा। समझ में आया? देखो इसका एग्जांपल अगर हम लोग आरटी से देखेंगे, आरटी से भी टर्टल का हेड दाएं की ओर घूमता है, अगर हम लोग आरटी से देखेंगे तो हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले आपकी आरटी 45, अगर यही कमांड हम लिखते हैं तो देखो सॉरी पहले हम CS कर लेते हैं, एक बार टर्टल का हेड फिर 0 डिग्री में आ गया, फिर हम किया आरटी 45, तो देखो टर्टल का हेड पहले 45 डिग्री दाएं घूमा। अब यदि हम किए आरटी 90 तो क्या हुआ देखो, ये 45 पोजीशन से जो है फिर वहाँ से वो कैलकुलेट करके 90 डिग्री दाएं की ओर घूमा, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री से टोटल 90 प्लस 45 टोटल 135 डिग्री ये घूम गया। लेकिन सेट से क्या होता है, सेट से तो टर्टल जैसे भी है उसका हेड जिस तरफ भी रहे वो वापस से 0 डिग्री में अपने आप को सोच लेते हैं और 0 डिग्री से जो है फिर वो उतना डिग्री दाएं की ओर घूम जाते हैं, ठीक है। तो ये है सेट कमांड और आरटी कमांड के साथ डिफरेंस। अच्छा अब उसके बाद हम लोग जो दूसरा कमांड सीखेंगे वो है उसके बाद हम लोग दूसरा कमांड सीखेंगे वो है क्लीन कमांड। क्लीन कमांड से क्या होता है, क्लीन कमांड से होता है जैसे हम लोग पहले चित्र को मिटाने के लिए हम लोग पहले CS निर्देश का इस्तेमाल किए थे, तो CS से क्या होता था चित्र जो भी बना हुआ था वो मिट जाता था और टर्टल का हेड जो है एकदम 0 डिग्री में आ जाता था, वो बीच स्क्रीन के बीच में अपने होम पर आ जाता था। लेकिन क्लीन कमांड से क्या होता है, देखो जैसे मैंने CS कर दिए तो टर्टल का हेड ऐसे आ गया। अब यदि मैंने यहाँ पर कोई चित्र बनाए जैसे कि मानो एक लाइन ही हम बना रहे FD 200, ठीक है, तो ये लाइन बना। अब यदि हम CS लिखते हैं एंटर दबाते तो क्या होता है, लाइन मिट जाता है और टर्टल बीच में आ जाता है स्क्रीन के बीच में। लेकिन यदि हम इसी जगह क्लीन कमांड का इस्तेमाल करते हैं, देखो FD 200 लिखे और मैंने लिखे क्लीन और एंटर, तो क्या होता है फिर टर्टल का हेड जो है टर्टल जो चित्र, देखो चित्र मिट गया लेकिन टर्टल जो है जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रह गया, ठीक है। तो क्लीन कमांड से क्या होता है, चित्र मिट जाता है लेकिन टर्टल अपना जिस स्थान में था उसी स्थान में रह जाता है। ये है CS और क्लीन कमांड का अंतर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या कमांड सीखा, सेट सीखे और क्लीन कमांड सीखे। और एक कमांड होता है HT और ST दोनों कमांड। HT कमांड हम लोग पहले ही सीखे थे कि HT कमांड से क्या होता है, हाइड टर्टल, टर्टल छुप जाता है। हम लोग चित्र बनाने के बाद HT कमांड लिख के एंटर देते थे तो टर्टल छुप जाता था, और वापस से टर्टल को लाने के लिए ST कमांड यानी शो टर्टल, ST कमांड लिखकर एंटर दबाने से टर्टल फिर से स्क्रीन पर आ जाता है, ठीक है। और एक नेक्स्ट कमांड हम लोग का सीखेंगे आज वो है CT यानी क्लियर टेक्स्ट। क्लियर टेक्स्ट से क्या होता है, ये आउटपुट कमांड रिकॉल लिस्ट बॉक्स में जितना कमांड लिखा हुआ है ये सारा मिट जाता है। देखो मैंने लिखे CT और एंटर दबाए, देखो ये कमांडर बॉक्स आउटपुट कमांड रिकॉल लिस्ट बॉक्स जो है ये पूरा क्लीन हो गया, ठीक है। तो यह है क्लियर टेक्स्ट यानी CT। तो हम लोगों ने क्या क्या कमांड सीखे, सेट कमांड, सेट कमांड से टर्टल 0 डिग्री से दाहिने की ओर घूमता है, टर्टल का पोजीशन जिस स्थान में भी है वो हमेशा 0 डिग्री से ही घूमते हैं। उसके बाद सीखे हम लोग क्लीन, क्लीन कमांड से क्या होता है टर्टल चित्र मिटा देते हैं और जिस स्थान में था उसी स्थान में रह जाता है, अपने होम में वापस नहीं आता है। और उसके बाद सीखे HT, हाइड टर्टल जिसे टर्टल छुप जाता है,
ST शो टर्टल जिससे कि टर्टल वापस से आ जाता है और CT क्लियर टेक्स्ट जिससे कमांडिंग आउटपुट कमांड रिकॉल लिस्ट बॉक्स में लिखे सारे कमांड्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को बंद कर दें, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो लिखते हैं बाय और एंटर।